अभिनेत्री नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। दरअसल अभिनेत्री की फिल्म को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर नयनतारा ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है। अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा चौड़ा नोट साझा किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जय श्री राम लिख कर किया है। अभिनेत्री ने नोट में लिखा है कि मैं ये नोट काफी भारी मन से लिख रही हूँ। मेरी फिल्म अन्नपूर्णी न सिर्फ एक फिल्म है, बल्कि ये फिल्म लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है। अभिनेत्री नयनतारा ने नोट में लिखा है कि फिल्म अन्नपूर्णी के जरिए हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते थे, परंतु हमने कुछ लोगों की भावनाओं को अनजाने में आहत पहुंचाया है। मेरा या मेरी टीम का ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं खुद भी भगवान को मानती हूं, मैं भगवान की पूजा करती हूं और मंदिर जाती हूं, इसलिए आखिरी चीज होगी जो मैं करूंगी। मैंने जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उन सभी से माफी मांगना चाहती हूं। पिछले दो दशक के फिल्मी कैरियर में मेरी मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना रहा है। बता दें कि 1 दिसंबर को फिल्म अन्नपूर्णी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद 29 दिसंबर को अन्नपूर्णी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म पर हिंदुओं की भावनाओं को आहट करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। बता दें कि फिल्म में भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मूवी में प्रभु श्री राम को मांस खाने वाला बताया गया है, जिस वजह से लोग भड़क उठे थे और नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग शुरू कर दी थी। वहीं विवाद बढ़ता देख नेटफ्लिक्स ने फौरन इस पर एक्शन लिया और हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला लिया। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।